एक लड़की पूजा अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपने चेहरे पे एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसा उसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। वो दर्द एक तरह से आग लगने जैसा था, जैसा कि उसके चेहरे पे आग लग गई हो, और वो एक इलेक्ट्रिक फाइन पेन की तरह भी था, यानी कि करंट उसके चेहरे के थ्रू गुजरा हो। ये दर्द इतना ज्यादा था कि वो कुछ नहीं कर पाई और तुरंत जमीन पे गिर गई और गिर के रोने लगी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर वो मुंह भी खोलती तो उसे और ज्यादा दर्द का एहसास हो रहा था। ये एपिसोड उसे 5 से 7 मिनट तक रहा, और ये उसका पहला एपिसोड था। फिर उसे लगा कि ये ऐसे ही हुआ होगा, और उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश करी। और वो अगले दिन दोबारा लौट के आया। इस बार वो खाना खा रही थी तब ऐसा हुआ। उसे लगा कि ये कुछ सीरियस हो सकता है, और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागी। सो गाइस, अनअकैडमी लेके आया आपके लिए इंडियाज लार्जेस्ट कॉम्पिटिशन फॉर नीट पीजी। इसमें ये कवर करते हैं FMT, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनएसटी से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को, और साथ ही में बाकी कई सारी चीज़ें भी हैं। और इसमें आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और अगर आप फर्स्ट प्राइज लेके आते हैं तो आपको 6 मंथ तक के लिए सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल सकता है। साथ ही अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं जो है डॉक्टर मोहित एक्सटेंड, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। जो क्विज है वो स्टार्ट होगा 24 जनवरी ऑन अ संडे ऑन 5 PM, सो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जब वो इमरजेंसी रूम में आई तो दर्द उसे उतना ज़्यादा हो रहा था कि वो डॉक्टर से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स ने उसे कुछ पेन किलर दिए और उसे ओडेंटोलॉजिस्ट यानी कि एक दांत के डेंटिस्ट के पास भेज दिया, क्योंकि दांत की कंडीशन होती है जिसे एक्यूट पल्पाइटिस कहते हैं, जिसमें दांत का जो पल्प होता है वो कैरीज की वजह से यानी कि कैविटीज लगने की वजह से इन्फ्लेम हो जाता है, और फिर वो जो इलेक्ट्रिक पेन सिग्नल्स होते हैं वो दांत की नर्व के थ्रू नीचे भेजता है, और फिर पूरे चेहरे में और लोअर एरिया जो होता है उसमें पेन होता है। तो उन्हें लगा कि ये एक्यूट पल्पाइटिस की वजह से हुआ होगा, इसलिए उन्हें उसे डेंटिस्ट के पास भेजा। लेकिन उसके डेंटिस्ट को भी ये लगा जांच में कि उसका दर्द का कारण कुछ और है, क्योंकि उसके दांत एकदम सही थे। एक्यूट पल्पाइटिस का पेन कुछ खाते समय या किसी वॉर्म चीज़ को निगलते समय होता है। जब दांत किसी गर्म चीज़ से टकरा जाते हैं तब पेन की सेंसेशन होती है। लेकिन जब उसे पहली बार एपिसोड हुआ था तो वो कुछ नहीं खा रही थी, तो दांतों के डॉक्टर को ये लगा कि इसका कारण कुछ और हो सकता है, और उसने उसे एक ऑर्थोपेडिक्स के पास भेज दिया। ऑर्थोपेडिक्स एक हड्डी का डॉक्टर होता है, और उन्हें ये लगा था कि ये TMJ की वजह से हो सकता है। TMJ यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो यहाँ पे होता है, और इसकी एक प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा पेन हो सकता है जो मुंह हिलाते समय लोगों को पूरे फेस में दर्द महसूस कराता है। लेकिन इसमें भी एक पेन जो होता है वो डल टाइप का पेन होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फाइंग और बर्निंग पेन होता है जो कि उसे हो रहा था, और उसे एक शार्प पेन भी हो रहा था। और जब उसने बताया कि जो पेन की रेटिंग है वो 1 से लेकर 10 के बीच में कहाँ तक थी, तो उसने बोला कि पेन की रेटिंग 11 तक थी, यानी कि पेन बहुत ही ज़्यादा था। तो उन्हें ये लगा कि ये कुछ और ही है, और ये नर्व से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन और नर्व्स का डॉक्टर होता है, और उसे ये लगा कि ये कुछ सीरियस हो सकता है, जैसे कि कोई ट्यूमर जो हमारी नर्व को कंप्रेस कर रहा हो और उसी की वजह से वो पेन उसे हो रहा हो, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें जो नर्व्स होती हैं उनके अराउंड जो माइलिन शीट होती है वो डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से जो सिग्नल होता है नर्व्स के थ्रू वो सही से जा नहीं पाता है, और इसीलिए जो नर्व्स मसल तक जाती है उसका जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है और मसल सही से काम नहीं कर पाती है। इसलिए इन लोगों के जो मस्कुलर पार्ट्स होते हैं जैसे कि पैर हो गए, हाथ हो गए, वो धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे काम करना बंद हो जाते हैं। लेकिन जब उसने MRI कराया तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट को लगा कि जो उसका पेन था वो एक इडियोपैथिक ओरिजिन का था। मेडिसिन में इडियोपैथिक का मतलब होता है कि इट वॉज अ पेन विदाउट अ कॉज, यानी कि उन्हें उसका जो कारण था
वो पता नहीं चल रहा था कि इस दर्द का कारण क्या है। ऐसे ही उसे बार बार हॉस्पिटल जा के 3 से 4 महीने हो गए और आखिरकार 5 महीने बाद डॉक्टर को पता चली गया कि उसे क्या था। डॉक्टर्स ने बोला कि उसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया था। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक तरह की ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि नर्व जो होती है उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है ऑप्थेलमिक, एक होती है मैग्जिलरी और एक होती है मैंडिबुलर, और वो फेस में इस तरह से सप्लाई कर रही होती है, और जो पेन होता है वो भी इस नर्व के रास्ते में ही होता है। और यहाँ तक कि इसके जो पेन के सफरर होते हैं वो इसको इतना ज़्यादा बताते हैं जितना उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया, और इसीलिए इस बीमारी में जो सफरर्स होते हैं यानी जो पेशेंट होते हैं उनमें से 30-40% इस बीमारी के स्टार्ट होने के 2 साल के अंदर ही सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए इस बीमारी को सुसाइड डिसीज भी कहा जाता है, यानी कि सुसाइड करने की बीमारी, जिसमें लोग दर्द के मारे सुसाइड कर लेते हैं। जैसे ही इन लोगों को ये दर्द महसूस होने लगता है, लोग इन्हें गलती से गलत डायग्नोसिस की वजह से एक साइकेट्रिक केस भी मान लिया जाता है और इन्हें डिप्रेशन की मेडिसिन पे भी डाल दिया जाता है। साथ ही में पेन इतना ज़्यादा होता है कि इंसान अपने आप ही डिप्रेशन में जाता जाता है और वो डिप्रेशन की मेडिसिन पे भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ये डायग्नोस हो जाता है कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है तो इसके 2 विकल्प होते हैं, या तो फिर दवाई देके इसे रोका जा सके, यानी कि जो पेन का एहसास है उसे कम किया जा सके, क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन तब किए जाते हैं जब पेन हद से बाहर हो जाए और फिर उसे किया जाता है। दवाइयाँ देके पेन के एहसास को कम किया जा सकता है, और लेकिन जब दवाइयों से भी उसका पेन का एहसास कम ना हो रहा हो तब सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। ये 2 तरह से हो सकता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एक माइक्रोवैस्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी होती है जिसमें ये माना जाता है कि जो नर्व है वो कंप्रेस हो गई है किसी वेसल की वजह से या उसके सराउंडिंग एरिया की वजह से, और उसे डीकम्प्रेस किया जाता है, जिसमें नर्व को तो कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन वो डीकम्प्रेशन हो जाता है और कुछ पेशेंट्स के सिम्टम्स में रिलीफ आ जाता है कुछ हद तक। और दूसरी थेरेपी इसकी जो होती है वो होती है डिस्ट्रक्टिव, जिसमें नर्व को डैमेज पहुंचाया जाता है और इसकी वजह से पेन तो कम हो ही जाता है और साथ ही में नर्व की जो सेंसरी पावर होती है वो भी कम हो जाती है, तो इसमें पेशेंट को नुकसान भी हो जाता है साथ में दर्द कम होने के साथ साथ, पर गारंटी नहीं होती कि उसका दर्द सही हो ही जाएगा। माइक्रोवैस्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी कराते रहते हैं और बाद में वो गामा नर्व जैसे रेडिएशन जैसी सर्जरी भी कराते हैं, साथ ही में एक इंजेक्शन होता है जो नर्व में लगाया जाता है जैसे नर्व का वो पार्ट जो है वो नम हो जाए, और उससे भी कई लोगों को फ़ायदा होता भी है और कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं भी होता है क्योंकि इसका कॉज जो है वो नोन नहीं है। इसीलिए हमारे पेशेंट के साथ भी यही हुआ और वो एक डिप्रेशन की दवाई खाती गई और उसका पेन भी साथ ही में बढ़ता गया, और ये पेन कुछ इस तरह से था जैसे उसके चेहरे पे आग लग रही हो और साथ ही में उसका चेहरा पिघल भी रहा हो, और ये उसके चेहरे के राइट साइड पे फील होता था, लेकिन वो और ज़्यादा सह नहीं पाई और उसने कई ज़्यादा डोज की डिप्रेशन वाली दवाई खा ली। एक दिन उसकी माँ जब उसके घर पे गई तो उनने ये पाया कि वो बेहोश पड़ी हुई है ज़मीन पे। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वो जो ड्रग ओवरडोज से मर गई थी। हालांकि उसने सुसाइड नहीं किया था लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वो सह ही नहीं पा रही थी, इसलिए इस डिजीज़ को सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और अपने विचार जरूर बताइएगा कि कैसे लगी वीडियो आपको और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना पसंद करेंगे कि नहीं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।